इन्हों का केस है बीए विच इकोनॉमिक्स पोलिटिकल साइंस ते फिजिकल एजुकेशन एम ए पॉल साइंस है। दूसरे विच जाके लिखदा हाँ इत्थे कि की केस है इन्हों का इकोनॉमिक्स नंबर एक पढ़ी है ग्रेजुएशन च पोल साइंस और फिजिकल एम ए विच इन्होंने पोल साइंस की है क्योंकि पोल साइंस एम ए च की है इसको नहीं छड़ना चाहिए लेकिन पहला इकोनॉमिक्स ते पॉलिटिकल साइंस तुसी की है तुहानू टी जी टी लिए एलीजिबल बन जाना चाहिए है इसलिए तुसी एस एस टी कॉम्बीनेशन लैके गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल बनते हो जो एस एस टी कॉम्बीनेशन लेंदे हो। बी एड करन तो बाद तुहानू क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की कीती हुई है बाद च अडिशनल पेपर पोल साइंस का पैडागोजी ऑफ पोल साइंस का बी एड का अडिशनल इतने लिख रहा हाँ इतने एरो दिता है ये तुहानू दे देना चाहिए है ये करके तुसी पी जी टी लई ये लिखा है पी जी टी लई इतने एलिजिबल बन जाओगे पोलिटिकल साइंस लैक्चरर लई। तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन की बन रहा है प्रोस्पेक्टस चो दस रहा हाँ एस एस टी ते फिजिकल एजुकेशन मेरे हिसाब से तुहानू ये चुन लेना चाहिए है। फिजिकल एजुकेशन ऑलरेडी 3 साल पढ़ी है बाकी क्राइटीरिया पूरे होंगे हैं एडिशनल पेपर नहीं देना पड़ेगा और गवर्नमेंट जॉब लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो एस एस टी फिजिकल एजुकेशन तुहानू पहला पढ़ना चाहिए है बाद विच एम ए पोलीटिकल साइंस है तो पैडागोजी ऑफ पोलीटिकल साइंस तुहानू बाद विच दे देना चाहिए है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह लर्न टू एक्चुलाइज। हाँ ये कॉलेज प्रैफर करियो जिथे ये मिलता है ये गल याद रखनी हुण ये सबजैक्ट कॉम्बीनेशन नू प्रैफर करना ना कि कॉलेज दूर तो नेड़े क्योंकि इस नाल कर लो बैटर है किसी तरह की गाइडेंस इस तरह चाहिए हो किहड़े कॉलेजां विच है नंबर दिते गए ने तुसी उन्हां विच देख के कॉल कर सकते हो। थैंक यू।